शांत हो जाओ परमवीर, ये समय क्रोध और आवेश में आने का नहीं, अभी तू शांति से बैठकर ये विचार करने का है कि महल की खोई हुई बागडोर हम वापस कैसे प्राप्त करें। हम तुम्हें खोजने आए हैं विजेंद्र प्रताप। आज हम अपने राज्य तेरा मस्तक काट कर ले जाएंगे और अपने राज्य को बताएंगे कि इस मायावी शक्ति ने हमारा पथ रोकने का प्रयत्न किया। नहीं परमवीर, शत्रु यदि समाप्त हो गया तो उसकी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। विजेंद्र प्रताप सिंह हमें जीवित चाहिए, इसी में हमारी जीत है। हमें हमारा शत्रु जीवित चाहिए। यदि हम वापस लौटे तो रणवीर सिंह हमें बंदी बनाने का प्रयत्न अवश्य करेगा। उसने अपने सैनिक चारों तरफ फैला रखे हैं। हमें आगे बढ़ना ही होगा। यदि आप अब भी अपने षड्यंत्र से बाज ना आए तो ये करतूतें महाराज के कानों तक भी पहुँच सकती है और महल की बागडोर थामने का आपका स्वप्न कैसे पूरा होगा? जिस युवराज को तुम जीवित देखना चाहते थे वो अब भी तुम्हारे घेरे में है। यदि वो हमारे घेरे में है तो हमारे चक्रव्यूह से कभी निकल नहीं पाएगा। तुम दो आदमियों के बैठने की बात कर रहे हो? युवराज जिसका ये अश्व है वो आपसे तोल में आधा है। क्या आपने कभी राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने का स्वप्न नहीं देखा? रात्रि का अंधकार छा चुका है, अब यहां से आगे बढ़ना संभव नहीं। चारों दिशाओं से हिंसक पशुओं की ध्वनि सुनाई दे रही है। यदि हम आगे बढ़े तो कोई भी पशु हम पर आक्रमण कर सकता है। नहीं, हमें कोई सुरक्षित स्थान ढूंढकर वहां पे विश्राम कर लेना चाहिए। यहां घने पेड़ों का झुरमुट दिखाई देता है, इन्हीं के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, हमें यही विश्राम कर लेना चाहिए।
रूपनगर के मायावी जंगलों में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अब यहां रहना उचित नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, सूर्य प्रताप सिंह कौन है ये कुंवर सूर्य प्रताप जिनकी आप इतनी प्रशंसा कर रही हैं? है एक युवराज जो हमें रूपनगर की ओर प्रस्थान करता हुआ मिला था। रूपनगर की ओर प्रस्थान करता हुआ मिला था, यह तो अति शुभ संकेत है राजकुमारी जी। रूपनगर की सीमा के इतना समीप पहुंचने वाला यह पहला युवराज होगा। आज तक कोई भी युवराज यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। यदि कोई युवराज यहाँ तक पहुँचा भी होगा तो आगे का पथ रणवीर सिंह ने अवरुद्ध कर दिया होगा। लगता है इस युवराज पर रणवीर सिंह की दृष्टि अभी तक नहीं पड़ी है। कदाचित ऐसा ही हुआ होगा राजकुमारी जी। यदि रणवीर सिंह की दृष्टि उस युवराज पर पड़ गई होती तो युवराज इस वक्त रणवीर सिंह की कारागार में होते। यदि सूर्य प्रताप सिंह को रणवीर सिंह बंधक बना लेता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता अभिमन्यु, क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह उसी विजेंद्र सिंह का भाई है जिसे रणवीर सिंह ने बंधक बना लिया था। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? विजेंद्र प्रताप सिंह के पश्चात सूर्य प्रताप सिंह यहाँ क्यों आए हैं? उनके आने का यहाँ क्या उद्देश्य हो सकता है? उनका उद्देश्य अपने भाई को रणवीर सिंह के बंधन से मुक्त कराना है अभिमन्यु। किंतु विजेंद्र प्रताप तो रणवीर सिंह की कारागार से मुक्त हो चुके हैं। ये रहस्य सूर्य प्रताप नहीं जानते हैं। इससे पहले कि रणवीर सिंह की दृष्टि सूर्य प्रताप पर पड़े, हमें तत्काल उन्हें खोजकर सतर्क कर देना चाहिए। अवश्य राजकुमारी जी, किंतु कुंवर सूर्य प्रताप इस वक्त रूपनगर के मायावी जंगलों में कहां भटक रहे होंगे। उन्हें तत्काल खोज पाना असंभव है। उन्हें खोजने में थोड़ा समय लग सकता है। नहीं अभिमन्यु, तुम एक पल की भी देरी किए बिना राज्य के गुप्तचरों को उन्हें खोजने का आदेश दे दो, क्योंकि हम अपने राज्य में सूर्य प्रताप सिंह को सुरक्षित देखना चाहते हैं। वो हमारे अतिथि हैं। एक अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है। याद रहे, यदि सूर्य प्रताप सिंह को कुछ हो गया तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं करेंगे। सेवक के जीते जी हमारे अतिथि का रणवीर सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे। राजकुमारी जी आप निश्चिंत रहिए, हमारे गुप्तचर जंगल के कोने कोने में फैल जाएंगे और हमें अति शीघ्र कुंवर सूर्य प्रताप सिंह के बारे में सूचित कर देंगे। कुंवर सूर्य प्रताप सिंह के साथ साथ तुम्हें उनके भाई विजेंद्र प्रताप सिंह पर भी दृष्टि रखनी होगी। यदि विजेंद्र प्रताप सिंह का भी कुछ पता चल गया तो हम सूर्य प्रताप सिंह के साथ उनका मिलन करा देंगे। यदि हमारा ये स्वप्न सत्य हो गया तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन भी सार्थक हो गया। आपका स्वप्न अवश्य सत्य होगा राजकुमारी जी। हम कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह के साथ उनके भाई सूर्य प्रताप सिंह को भी अवश्य खोज निकालेंगे। विधाता ने तो शत्रुओं से हमारे प्राण बचा लिए, किंतु प्रतीत होता है कि अब भी हम रूपनगर की सीमाओं में ही भटक रहे हैं। ना जाने कब हमें इन मायावी जंगलों से छुटकारा मिलेगा। चारों दिशाओं में मायावी शक्तियों का माया जाल छिपा हुआ है। जरा सी चूक हमें मृत्यु के घाट पहुंचा सकती है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस ओर प्रस्थान करें। सूर्य का तीव्र प्रकाश इसी दिशा की ओर से आ रहा है। कदाचित यही पूर्व दिशा है और हमारा राज्य भी पूर्व दिशा की ओर है। रूपनगर की सीमा से बाहर निकलते ही रणवीर सिंह और उसके भाई के आतंक से हम मुक्त हो जाएंगे।
इससे पूर्व कि वो हमें खोजते खोजते यहाँ तक पहुंचे, हमें शीघ्र ही इस दिशा की ओर बढ़ जाना चाहिए। पद समाप्त हो गया। पता नहीं तेरे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। पहले मां से बिछड़ा दिया और फिर कुंवर विजेंद्र सिंह से, और अब कुंवर सूर्य प्रताप सिंह की चिंता सता रही है। आवेश में आकर वो अपने भाई की खोज में निकल तो गए, लेकिन रूपनगर के पद से अपरिचित कुंवर सूर्य प्रताप सिंह वहां कैसे पहुंच पाएंगे? दुर्गेश्वरी। भीमा, कुंवर सूर्य प्रताप का कुछ पता चला? नहीं दुर्गेश्वरी, दूर दूर तक पूरा जंगल छान मारा, किंतु कुंवर का कहीं पता नहीं चल सका है। भय है कि कुंवर सूर्य प्रताप सिंह को रणवीर सिंह ने कहीं। नहीं, रणवीर सिंह कितना ही चतुर क्यों न हो, किंतु सूर्य प्रताप को अपनी जाल में नहीं फंसा सकता। क्षमा करना दुर्गेश्वरी, मैं सहमत नहीं हूँ। रूपनगर के पद पर जाने वाला संसार का कोई भी युवराज आज तक रणवीर सिंह के जाल से बच नहीं पाया है, तो कुंवर सूर्य प्रताप सिंह कैसे बच पाएंगे? कुंवर सूर्य प्रताप का आत्मविश्वास, उनका उद्देश्य उन्हें सफलता अवश्य प्रदान करेगा। वो बाकी युवराजों की तरह राजकुमारी चंद्रमुखी के मोहपाश में बंधे रूपनगर के लिए नहीं निकले हैं, अपितु अपने भाई को स्वतंत्र करने निकले हैं, इसलिए उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रहेगा। जानता हूँ दुर्गेश्वरी, किंतु रूपनगर के पद पर जाने वाला अकेला मनुष्य भला असंख्य शत्रुओं से कैसे विजयी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकते? कुंवर बलशाली हैं, बुद्धिमान हैं, और उनकी रगों में एक राजपूत का रक्त दौड़ रहा है। जो भी कुंवर से टकराने का प्रयत्न करेगा वो स्वयं समाप्त हो जाएगा, ये दुर्गेश्वरी का अटल विश्वास है। किंतु कुंवर अकेले नहीं जाते तो मुझे प्रसन्नता होती, यदि वो मेरे साथ चलते तो उनका लक्ष्य शीघ्र ही पूर्ण होता और मेरे नेत्र भी जी भर के कुंवर विजेंद्र सिंह को देख लेते हैं। कितना समय बीत गया उन्हें देखे, पता नहीं वो किस हाल में होंगे, किस दशा में होंगे। कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह जहाँ कहीं भी होंगे सकुशल होंगे दुर्गेश्वरी, तुम सदैव कुंवर के लिए चिंतित रहती हो, उनकी कुशलता की कामना करती रहती हो। देखना ईश्वर एक दिन तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे और तुम्हारा ये निश्चल प्रेम एक दिन कुंवर को तुम्हारे पास वापस ले आएगा। यदि ये सत्य हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए भीमा, नहीं तो ये जीवन तब ते रेगिस्तान की तरह नीरस हो जाएगा। कुंवर विजेंद्र सिंह के प्रेम ने जैसे मेरे जीवन में बहार लौटा दी थी, प्रतीत होने लगा था कि इस डाकू के जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु फूल खिलने से पहले ही उस राक्षस रणवीर सिंह ने मेरे जीवन की बगिया उजाड़ दी, मेरे कुंवर को बंधक बना दिया। अगर कुंवर को कुछ हो गया ना भीमा, तो अपने प्राण त्यागने से पहले मैं उस रणवीर सिंह और उसके साथियों को तड़पा तड़पा कर नर्क तक पहुंचा दूंगी। तुम्हें प्राण त्यागने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी दुर्गेश्वरी, शत्रुओं की समाप्ति के पश्चात तुम्हारा जीवन फिर से खिल उठेगा। किंतु सूर्य प्रताप की रक्षा करने का अवसर हमें मिल जाता तो विजयश्री शीघ्र प्राप्त हो जाती। सफलता शीघ्र प्राप्त होने वाली है भीमा, कुंवर सूर्य प्रताप के पथ में आने वाला हर संकट समाप्त हो जाएगा। मुझे बार बार ये प्रतीत हो रहा है कि हमारा उनसे शीघ्र मिलन होने वाला है। विधाता अपनों को अपनों से कब तक बिछड़ाएगा? निराशा के पश्चात आशा का आगमन अवश्य होता है। हमें सूर्य प्रताप को खोज निकालने का अभियान और तीव्र कर देना चाहिए। दिन हो या रात्रि, हमें पूरी शक्ति के साथ रूपनगर के पथ पर और आगे बढ़ना चाहिए और सूर्य प्रताप को खोज निकालना चाहिए।
सैनिकों, वो कौन युवराज है जो रूपनगर के वनों में चला जा रहा है? देखते क्या हो, वो कोई बाहर से आया हुआ युवराज है। चारों दिशाओं से घेर कर उस पर आक्रमण कर दो। और हाँ, याद रहे कि वो हमें जीवित चाहिए। जाओ पकड़ो उसे। चलो। और कोई है जो सूर्य प्रताप सिंह का सामना कर सके? सूर्य प्रताप सिंह, तेरा नाम तो हमने जान लिया है, परंतु तू ये नहीं जानता कि तेरा सामना परमवीर सिंह से होगा। हमारे सैनिकों को मार के अपनी वीरता पर इतना मत इतरा। रणभूमि में तेरे बाजुओं की शक्ति की अग्नि परीक्षा अब होगी। हमारे जीवित रहते तू यहाँ से एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकता। परमवीर सिंह, तेरे सैनिकों के पश्चात अब तेरा रक्त बहेगा। तुझे तेरी मृत्यु खींच कर हमारे सामने लाई है। तू ही क्या, रूपनगर के पथ पे पड़ने वाले हर एक शत्रु को हम यह लोक पहुंचा देंगे। आज तेरे रक्त का भोग चढ़ेगा। सूर्य प्रताप को कोई नहीं रोक सकता है। हम अपने भाई को वापस लेकर ही जाएंगे। कुंवर विजेंद्र सिंह को रणबीर सिंह चाहे कितनी भी बेड़ियां पहना दे, लेकिन उन्हें स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं। Thank you.
वो योद्धा कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह का भाई था जो हमारे कारागार से भाग निकला है। सूर्य प्रताप को पथ में यदि विजेंद्र प्रताप सिंह मिल गया तो दोनों भाई मिलकर हमारे जाल से छूटकर भाग सकते हैं। हमें किसी भी मूल्य पर उन दोनों को मिलने से रोकना होगा, अन्यथा हम हमारे भाई को अपना मुख दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इससे पूर्व के विजेंद्र प्रताप सिंह रूपनगर के मायावी जंगलों को पार कर जाए, हमें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। घोड़ों की आवाज कहीं ये दुर्गेश्वरी तो नहीं? दुर्गेश्वरी, 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 ठहरो। यदि दुर्गेश्वरी हमें देख लेती तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते। अब हमें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम आगे का पथ जान सके। युवराज, जिसके पीछे तुम जा रहे हो वो एक डाकू है। हम जानते हैं, किंतु तुम कौन हो युवती? मैं इसी जंगल की वनवासिनी हूँ युवराज, अपनी कुटिया की ओर जा रही थी, तुम्हें डाकुओं के पीछे भागते देख कर रुक गई। लगता है तुम दुर्गेश्वरी को पहले से जानते हो। हाँ, जानते हैं। दुर्गेश्वरी संसार की दृष्टि में एक डाकू है, किंतु हमारी दृष्टि में वो किसी देवी से कम नहीं। क्या तुम दुर्गेश्वरी को जानती हो? जंगल में डाकुओं का कोई एक ठिकाना नहीं होता है युवराज, समय समय पर वो अपना नया ठिकाना ढूंढते रहते हैं। फिर जहाँ उन्हें कोई सुरक्षित स्थान मिलता है वो वहीं अपना डेरा बसा लेते हैं। फिर कुछ ही दिनों के पश्चात वो अपना नया ठिकाना खोज लेते हैं। किंतु तुम कहां से आ रहे हो युवराज? इस जंगल के पापी रणवीर सिंह के गुप्त कारागार से हम भाग निकले, वो अब भी इन जंगलों में हमें खोजने के लिए मारा मारा फिर रहा है। यदि हमें दुर्गेश्वरी देख लेती तो हमारे सारे दुखों का अंत हो जाता। अब हमारी आशा क्षीण होने लगी है। इस जंगल में भागते भागते हमारा शरीर थकान से चूर हो गया है। अति उत्तम समय है निशाचरी, रणवीर सिंह का ये बंधक बहुत थक चुका है। इस भूखे प्यासे बंधक को मूर्ख बनाया जा सकता है। ऐसी योजना बनानी होगी जिसमें फंसकर ये युवराज वापस रणवीर सिंह की कारागार में पहुंच जाए। क्या सोच रही हो युवती? यदि तुम विजय जाएंगे जिस ओर हमारी प्रिय दुर्गेश्वरी गई है, हो सकता है कि पथ में उनसे दोबारा भेंट हो जाए। ठहरो युवराज, तुम नहीं जानते ये पथ मायावी है। यदि तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इसी जंगल में भटकते रह जाओगे। फिर हम क्या करें?
किधर जाएं? इस जंगल में चारों ओर छल ही छल है। यदि हम आगे ना बढ़े तो इसी जंगल में हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम मृत्यु से नहीं डरते, किंतु मृत्यु से पूर्व एक बार, सिर्फ एक बार अपने माता पिता को देख लेना चाहते हैं। तुम अपने माता पिता को अवश्य देखोगे युवराज, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, क्योंकि तुम अपने माता पिता को पूछते हो, और जो कोई भी अपने माता पिता को पूछता है, ईश्वर उसकी सदा रक्षा करता है। किंतु तुम हमारी सहायता कैसे कर सकती हो? मैं दुर्गेश्वरी को कहीं से भी खोज निकालूंगी और आपका संदेशा उस तक पहुंचा दूंगी। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, किंतु आप ये स्थान छोड़कर कहीं मत जाना। यदि भाग्य प्रबल रहा तो दुर्गेश्वरी देवी तक आपका संदेशा अवश्य पहुंच जाएगा। युवराज, मुझे पूरा भरोसा था कि रूपनगर के पथ में एक बार तुमसे मुलाकात अवश्य होगी। तुम्हें सकुशल देखकर हमें अति प्रसन्नता हुई। पथ में कोई संकट या बाधा तो नहीं मिली? संकट तो अनेक आए दुर्गेश्वरी। किंतु हम सारी बाधाओं को छोड़ते हुए यहां तक पहुंचे हैं। हमें प्रतीत हो रहा है कि रूपनगर की सीमा अब हमसे अधिक दूर नहीं। किसने तुमसे कह दिया कि तुम रूपनगर की सीमा के पास पहुंच गए हो? रूपनगर की सीमा कोसों दूर है, वहां तक पहुंचना इतना आसान कहां है युवराज? सूर्य प्रताप के लिए अब कोई भी कार्य असंभव नहीं है दुर्गेश्वरी। तुम नहीं जानती, जब एक भाई को बचाने के लिए दूसरा भाई निकलता है तो कठिनाइयों के पथ खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। पथ में एक युवराज भानु प्रताप ने हमें धोखे से मूर्छित किया था, किंतु हमने अपना आश्व उससे वापस छीन लिया। आगे भी ऐसे संकट हमारा पथ रोकने का प्रयत्न करेंगे, किंतु हम हार नहीं मानने वाले। तुम्हारी जीत की तो मैं सदैव प्रार्थना करती हूँ युवराज, किंतु तुम्हारी सुरक्षा की चिंता भी है। तुम्हारे शौर्य और वीरता पर तो गर्व है दुर्गेश्वरी को, किंतु रूपनगर में अकेले जाना बुद्धिमानी नहीं है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई विजेंद्र सिंह के साथ साथ मुझे तुम्हें भी खोना पड़ेगा। विजेंद्र प्रताप केवल बंधक है, उन्हें हमने खोया नहीं है। तुम हमारे भाई की चिंता छोड़ दो दुर्गेश्वरी, यदि यमराज भी हमारे सामने आ जाए तो उनसे भी हम टकरा जाएंगे। तुम्हें सुरक्षित देखकर मेरी आस फिर से लौट आई है युवराज। तुम पहले युवराज हो जो इस मायावी जंगल में यहाँ तक पहुँच पाए हो, अन्यथा बाकी युवराजों को तो रणवीर सिंह और राजवीर सिंह की सेना ने यहाँ से कोसों दूर पकड़ कर बंधक बना दिया था। किंतु रणवीर सिंह हमें अभी तक बंधक नहीं बना पाया है और ना ही बना पाएगा, क्योंकि हम राजकुमारी चंद्रमुखी के प्यार में अंधे होकर यहाँ नहीं आए हैं। हम अपने रक्त को स्वतंत्र करने आए हैं, इसलिए रणवीर सिंह की कोई भी मायावी शक्ति हमें विचलित नहीं कर सकती। किंतु अब तुम हमारा साथ कभी मत छोड़ना। कहते हैं कि संकट के समय में एक और एक दो नहीं अभी तो 11 बन जाते हैं। हमारे भाई और हमारे लिए तुम्हारे मन में जो सम्मान है, ये देखकर हम प्रसन्न हुए।
किंतु हमारा विवेक हमें स्त्री की सहायता लेने की आज्ञा नहीं देता। यदि फिर भी तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो अवश्य चलो, लेकिन इतना याद रहे, हम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम हैं। कभी नहीं भूलूंगी युवराज, तुम्हारे भाई विजेंद्र सिंह भी तुम्हारी तरह जोशीले ही हैं और हट भी ऐसे ही करते हैं। यदि वो मेरी बात मानते तो मैं उन्हें रणवीर सिंह के चंगुल में कभी नहीं फंसने देती। विजेंद्र प्रताप को स्वतंत्र करने हम आ गए हैं दुर्गेश्वरी। हमसे पूर्व बड़े बड़े योद्धा भले ही रूपनगर के पथ में आके हार मान गए हों, लेकिन हमारा शरीर अभी शेष है। देख लेना, विजेंद्र प्रताप को हम मृत्यु के मुख से छीन कर ले आएंगे, ये हमारा वचन है। समय बीतता जा रहा है, किंतु दुर्गेश्वरी अभी तक नहीं आई। लगता है अब दुर्गेश्वरी से हमारा मिलन कभी नहीं हो पाएगा। शरीर के साथ साथ मन भी थक चुका है। और वो युवती भी हमें झूठी सांत्वना देकर चली गई है। कुंवर, कुंवर, कुंवर! दुर्गेश्वरी का स्वर, कहीं हमारा भ्रम तो नहीं? कुंवर! नहीं नहीं, ये हमारा भ्रम नहीं हो सकता। लगता है हमारा संदेश दुर्गेश्वरी तक पहुंच चुका है। मैं तुम्हें खोज रही हूँ कुंवर, कुंवर, कुंवर! दुर्गेश्वरी! दुर्गेश्वर, सफल हो गया। अब मृत्यु आ जाए तो कोई भय नहीं, लेकिन दुर्गेश्वरी का प्रथम धर्म है तुम्हारी सुरक्षा। हमें जल्द से जल्द इस मायावी वन से निकल जाना चाहिए, अन्यथा रणवीर सिंह की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। शीघ्र से शीघ्र हमें रूपनगर की सीमाओं से दूर निकल जाना चाहिए। चलिए कुंवर, चलिए। ये तो हमें उसी पथ पर ले आई है जहां हम बंधक थे। ये दुर्गेश्वरी नहीं हो सकती, अवश्य अवश्य ही कोई माया है। इस माया का क्या रहस्य है? रूपनगर की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद हमें किसी का भय नहीं होगा। चलिए जल्दी कीजिए। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पथ को हम एक बार देख लेते हैं उसे दोबारा कभी नहीं भूलते।
हमें अच्छी तरह याद है, रणवीर सिंह की कारागार से मुक्त होते ही हम इसी पद से निकले थे और तुम वापस हमें इसी पद पे ले जाने आई हो, क्यों? विजेंद्र सिंह पद को पहचान गया है निशाचरी, इससे पूर्व कि ये तेरी असलियत को पहचान ले, तत्काल इसे लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए और वापस कारागार में बंदी बना देना चाहिए। क्या सोच रही हो तुम? हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देती? क्या उत्तर दूं युवराज? तुम्हें खोज कर स्वतंत्र करना, दुर्गेश्वरी ने इसे अपना परम धर्म बना लिया था और तुम मुझी पर संदेह कर रहे हो। मुझे लगता है तुम पर मायावी शक्तियों का असर हो गया, भ्रमित कर दिया है तुम्हें। नहीं तो रणवीर सिंह के सैनिक तुम्हें फिर से बंधक बना देंगे। चलिए चलिए युवराज, हमें कोई भय नहीं, किंतु जिस पद पर तुम हमें ले जाना चाहती हो उस पद पर हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम दुर्गेश्वरी नहीं, अपितु दुर्गेश्वरी का कोई रूप लगती हो। शीघ्र बताओ कौन हो तुम, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट कर फेंक देंगे। बताओ। ये क्या युवराज, जिसे प्रेम करते हो उसका मस्तक काटने की बात कर रहे हो तुम? हमने जिसे प्रेम किया वो तुम नहीं हो सकती, तुम अवश्य कोई रणवीर सिंह की मायावी शक्ति लगती हो। शीघ्र बताओ कौन हो तुम, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शीघ्र बताओ कौन हो तुम, बताओ कपटी स्त्री, बताओ कौन हो तुम? बताती हूँ मैं वही निशाचरी हूँ जो तुम्हें जंगल के पथ में मिली थी। कपटी स्त्री, तू क्या हमें रणवीर सिंह की कारागार में बंदी बनाने आई है? किंतु याद रखना, अब विजेंद्र प्रताप सिंह को बंदी बनाना असंभव है। यदि तूने किसी भी रूप में हमें छलने का प्रयत्न किया तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। स्त्री है इसलिए एक बार राजधर्म निभाते हुए तुझे क्षमा दान देते हैं, दूसरी बार नहीं, समझी? वाह, ये पहला युवराज है जिसने निशाचरी को जहर का कड़वा घूंट पिलाया है। मैं इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगी। यदि आज आकाश के देवता भी इस धरती पर आ गए उस युवराज को बचाने, तो भी निशाचरी के कोप से उसे कोई नहीं बचा पाएगा।